नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। कला महोत्सव 2020 का आगाज जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया फीता काटकर शुभारंभ। आज जनपद मुजफ्फरनगर के वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज में आज कला महोत्सव 2020 का आगाज किया गया। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र सिंह ने माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत, गिटार आदि कलाओं में प्रस्तुति देकर मुख्य अतिथियों का दिल जीत लिया। निर्णायक मंडल ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय नाम घोषित किए। वहीं मुख्य अतिथियों द्वारा विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल राजेश कुमारी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड-19 को देखते हुए एक सूक्ष्म कार्यक्रम कला महोत्सव का किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं आज जिला विधायक निरीक्षक गजेंद्र सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम के विजेता बच्चे प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम में संभागित करेंगे, जिसका सारा खर्च यूपी सरकार उठाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमारी और आज हमारे विद्यालय में कला महोत्सव के मंच पर जो भारत सरकार मंत्रालय द्वारा हमारा है, उसी संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये कई विधाओं में होता है, लेकिन हमारे विद्यालय में नृत्य है, गायन है, वादन है। इन्हीं विधाओं के अंतर्गत आज बच्चे अपना अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। कला 2020 उत्सव। हाँ जी, ये कला मंच है और 2020 का उत्सव मनाया जा रहा है। तो क्या क्या इस कार्यक्रम के अंदर? इस कार्यक्रम के अंदर यही है कि हम जब इसे अपने विद्यालय में जिला स्तर पर किया जा रहा है, विभिन्न विद्यालयों से बच्चे प्रतिभाग करने आए हैं जी। और निर्णायक मंडल अपना निर्णय सुनाएगा, उसके बाद बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किए जाएंगे। इसके बाद तो आगे क्या? इसके बाद बच्चे जब यहाँ से चुन लिए जाएंगे तो बच्चे आगे प्रदेश स्तर पर भी उनको आगे भेजा जाए। सरकारी स्तर? हाँ जी, सरकारी स्तर पर। जैसा कि अभी उन्होंने बताया जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने, तो बच्चों का कार्यक्रम अच्छा है। और लेकिन ये कि कोरोना के कारण इस बार थोड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा बच्चों ने कम परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चे दोनों ही डरे हुए हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को देख कर लग रहा है कि उनमें उत्साह है और वो अपनी प्रस्तुति अच्छे तरीके से। क्या प्राइस रखी गई? फर्स्ट हमने सर्टिफिकेट रखे हुए हैं अभी बच्चों के, और जब बच्चे आगे चयनित कर लिए जाएंगे तो फिर उन्हें आगे भेज दिया जाएगा।